नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजीटी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सारिका। ये नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चिंटेल्स फ्लैट मालिकों ने फरवरी 2022 से मांगा किराया। 5 मंजिला घरों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। 100 कॉलोनियों में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी ने जी न्यूज फिल्म सिटी नोएडा में औद्योगिक दौरे का आयोजन किया। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन ने एल्यूमिनाई टॉक का आयोजन किया। एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स हेल्थ एंड फिटनेस के तत्वाधान में फिजियोथेरेपी फैकल्टी ने भारत में डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के माध्यम से समावेश पर एक वार्ता का आयोजन किया। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 109 स्थित चिंटेल्स पैरा डाइसो सोसाइटी की रहने के लिए असुरक्षित की गई टावरों को खाली कराने के संबंध में वहां की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अपना मांग पत्र लिखित में प्रशासन को सौंप दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मांग पत्र में कहा गया है कि हादसे के बाद से प्रभावित निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक परेशानियां होने लगी है। इन हालात को भी समाधान के दायरे में शामिल किया जाए। फ्लैट खाली करने के संबंध में बृहस्पतिवार को सोसाइटी के निवासियों की लघु सचिवालय में एडीएस के साथ बैठक हुई थी। एडीएस ने निवासियों से कहा था कि वह शुक्रवार तक अपनी मांगों को प्रशासन को लिखित में दे दे। इसके बाद वह चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन से बात करेंगे। जो मांग आरडब्ल्यूए की ओर लिखित में दी है उनमें कहा गया है कि सोसाइटी की सभी टावरों के फ्लैट मालिकों को फरवरी 2022 में किराया दिया जाए। जो फ्लैट मालिक पैसा वापस भी लेना चाहते हैं तो उसमें 15 महीने की किराया क्षतिपूर्ति दी जाए। फ्लैट फिर से बना कर दिए जाने वाले प्रावधान में प्रति स्क्वायर फीट 1,000 रुपये फ्लैट मालिक को देने वाले प्रावधान को हटाया जाए। पैसा वापसी वाले विकल्प में बिल्डर पहली किस्त में 10 की जगह 25% पैसा वापस करे। 100% भुगतान होने के बाद ही रजिस्ट्री के रद्द होने की प्रक्रिया शुरू होगी। बैंक के लोन की राशि भी चिंटल्स को देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीटी टाइम्स। 5 मंजिला घरों के निर्माण की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर एक और आरडब्ल्यूए संगठन विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव को पत्र लिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विभिन्न सोसाइटियों में लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। पिछले दिनों 6 मई को विशेषज्ञ समिति की बैठक में अधिकारियों के साथ आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने भी अपनी राय रखी थी, मगर इस इलाके का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों को 1 हफ्ते का समय दिया गया जिसमें वे अपनी राय भेज सकते हैं। डीएलएफ हर्ष विप्रा की प्लॉटेड कॉलोनियों और अन्य प्लॉटेड सोसाइटियों के लोग इसके खिलाफ है। डीएलएफ फेस के निवासी परिमल वर्धन ने बताया कि स्टिल्ट फेस 4 के खिलाफ वे जनमत तैयार कर अधिकारियों को सौंपेंगे। इससे हरियाली तो नष्ट होगी ही, फुटपाथ भी खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीटी टाइम्स। शहर की 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नगर निगम द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। इस दौरान ये देखा जा रहा है कि ये नगर निगम के मानकों के अनुरूप है या नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। कॉलोनियों में किस तरह की नागरिक सुविधाओं को विकसित किया जा सकता है, सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा। संशोधित पॉलिसी के बाद गुरुग्राम की 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां नियमित होने के दायरे में आ जाएगी। इसमें से 103 कॉलोनियों में सर्वे का काम चल रहा है। इन कॉलोनियों के नियमित होने से इनमें रह रहे लाखों लोगों को बिजली कनेक्शन, मकानों का मालिकाना हक के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी मिल जाएगी। लोगों को अब घर छीनने का भी डर नहीं रहेगा। संशोधित पॉलिसी में 14 फरवरी 2022 से पहले विकसित अवैध कॉलोनियों को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीटी टाइम्स। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। एसजीटी, लेट्स मी क्वेश्चन एनीथिंग, इवन द यूनिवर्सिटी। I have visited other campuses too, but SGT has better infrastructure. Plus, it's hope. Here, we are not just students, we are emerging journalists. Cameraman Deepak ke saath.
got an opportunity to interact with renowned media experts. Asia's biggest shooting floor, latest equipment, practical learning, faculties from the industry, freedom of expression. Come, be a part of this revolution. SGT University, nurturing future leader. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अब अगली खबर की तरफ। एसजीटी विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन और मीडिया टेक्नोलॉजी के संकाय ने छात्रों के लिए सेक्टर 16 ए फिल्म सिटी नोएडा में स्थित जी न्यूज में एक ज्ञानवर्धक औद्योगिक यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा का उद्देश्य छात्रों को मीडिया उद्योग का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराना और प्रसारण पत्रकारिता की उनकी समझ को बढ़ाना था। आइए देखिए ये रिपोर्ट। उत्साही छात्रों के एक समूह ने देश के अग्रणी मीडिया संगठनों में से एक जी न्यूज का औद्योगिक दौरा किया। इस यात्रा की शुरुआत अत्याधुनिक न्यूज रूम के दौरे से हुई, जहां छात्रों ने समाचार एकत्र करने, संपादित करने और उत्पादन की गतिशील प्रक्रिया देखी। समाचार रिपोर्टिंग, वीडियो संपादन, ग्राफिक्स और समाचार विश्लेषण सहित समाचार निर्माण में शामिल विभिन्न विभागों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त जी न्यूज ने मीडिया नैतिकता, समाचार रिपोर्टिंग तकनीकों और डिजिटल युग में पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए आकर्षक कार्यशालाओं और इंटरैक्टिव सत्रों का आयोजन किया। मास कम्युनिकेशन और मीडिया टेक्नोलॉजी के संकाय ने इस समृद्ध अवसर प्रदान करने के लिए जी न्यूज़ का आभार व्यक्त किया और शिक्षा और उद्योग की खाई को पाटने में इस तरह के दौरे के महत्व पर जोर दिया। जैसे ही छात्र अपने परिसर में लौटे, वे अपने साथ पत्रकारिता के लिए एक नया जुनून और मीडिया परिदर्श की गहरी समझ लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीटी टाइम्स। सुश्री ज्योति ने फैकल्टी सदस्यों और अतिथि वक्ताओं का स्वागत करते हुए एल्यूमिनाई टॉक कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वागत भाषण शिक्षा संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर माधवी शर्मा ने दिया। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रोफेसर डॉक्टर माधवी शर्मा ने बीकानेर में केवीएस में विशेष शिक्षक श्री नरेश आचार्य और नई दिल्ली में दृष्टि शिक्षा संस्थान में सहायक प्रोफेसर सुश्री कोमल का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नेहा शर्मा एवं सुश्री पूनम तलवार ने किया। श्री नरेश आचार्य ने बताया कि कैसे पाठ योजना विशेष बच्चों के शिक्षण में मदद करती है। सुश्री कोमल ने सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण में इसकी उपयोगिता और कैसे एसजीटी विश्वविद्यालय में सुविधाएं उनके व्यक्तित्व में गतिशील बनाती हैं के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नेहा शर्मा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीटी टाइम्स। विशेष ओलंपिक भारत ने श्री वीरेंद्र कुमार और श्रीमती सुनैना नाम के दो प्रतिष्ठित संस्थान व्यक्तियों को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर पूजा अनंत ने दर्शकों को संबोधित किया और मनोविज्ञान विभाग, विशेष शिक्षा विभाग और फिजियोथेरेपी संकाय से अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर प्रो वाइस चांसलर ऑफ अकेडमिक्स डॉक्टर विकास धवन ने एक प्रेरणादायक और प्रेरक भाषण दिया। इसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता रिसोर्स पर्सन ने की। छात्रों ने खेलों में विकलांग बच्चों को बढ़ावा देने के बारे में आशाजनक ज्ञान प्राप्त किया। श्री वीरेंद्र ने उनकी भागीदारी के महत्व और यह कैसे समाज पर प्रभाव पैदा कर सकता है के बारे में बताया। यह कार्यक्रम व्यवहारिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण से भरा हुआ था, जहां छात्रों को भाग लेने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा गया और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार के लिए वैकल्पिक विचारों को साझा किया गया। उन्होंने इस क्षेत्र के दायरे और भूमिका पर जोर दिया। अंत में सत्र का समापन सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पूजा भाटी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। समिति के सभी सलाहकारों और फिजियोथेरेपी संकाय के सदस्यों को यह अद्भुत आयोजन के लिए सफलतापूर्वक संवे के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसजीटी टाइम्स। एसजीटी टाइम्स में आज इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।